हाँ जी मेरे दोस्तों, पेड कोर्स के बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कोर्स पसंद आ रहा है, राइट? पंकज सर की वीडियोस अपलोडेड हैं, राइट? मैथ्स और रीजनिंग की और भी वीडियोस कंटिन्यूटी पे अपलोड होती रहेगी। आज जो है हम ज्योग्राफी का दूसरा जो है वीडियो वो करने वाले हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि ये वीडियोस जो हैं, कुछ वीडियोस हम यूट्यूब पे डालेंगे जस्ट टू शो द स्टूडेंट्स हाउ वी आर टीचिंग इन आर पेड बैच, राइट? तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को ना घबराहट हो जाती है, तो घबराना नहीं, और ज़्यादा घबराहट होगी तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है? लेकिन आई एम क्लियरिंग इट कि हम कुछ 2 से 3 वीडियोस हर एक सब्जेक्ट की जो है आपकी यूट्यूब पे डालेंगे ताकि बच्चों को पता चल पाए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं कोर्स में, ठीक है? तो मेरे दोस्तों देखिए, जैसे कि हमें पता है 2024 के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो आपके JKPSI और NT के लिए तैयारी है। इस वीडियो से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इस कंटेंट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस कंटेंट से अगर बाहर जाना भी है तो MCQs फॉलो करने हैं, लेकिन पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लें। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या जिनको थोड़ा बहुत JKCSB एग्ज़ाम का नॉलेज है तो वो दिक्कत उनको नहीं आएगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि आप वीडियोज़ को 2 बार है ना ज़रूर देखें, मिनिमम 2 बार आपको देखना ज़रूरी है वीडियो को, ठीक है? अच्छा बच्चा, आज देखो हम क्या करने वाले हैं, द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। बच्चा जैसे कि कल हमने बात करी थी कि जो हमारा ग्लोब है ना, जो हमने ग्लोब की बात करी थी, हमने क्या बोला था कि हमारे ग्लोब में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारे ग्लोब में आपको देखने को मिलेंगी इमेजिनरी लाइंस। कुछ इमेजिनरी लाइंस क्या है बच्चा? आपकी हॉरिजॉन्टली ड्रॉन है, क्या है आपकी? हॉरिजॉन्टली ड्रॉन है कुछ इमेजिनरी लाइंस, राइट? और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने क्या बोला था, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने बोला था बच्चा लैटिट्यूड्स। क्या बोला था हमने इनको? लैटिट्यूड्स बोला था। मेरी बात क्लियर हो गई? क्या बोला हमने इनको? हमने इनको बोला लैटिट्यूड्स। डन? हमने क्या बोला इनको? लैटिट्यूड्स, ठीक है? हमने क्या बोला इनको? लैटिट्यूड्स। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लैटिट्यूड्स टोटल जितने हैं वो कितने हैं बच्चा? आपके टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, याद रखिएगा, टोटल लैटिट्यूड्स हैं आपके बच्चा 181। कितने हैं टोटल लैटिट्यूड्स, इसको रट लो बच्चा, टोटल लैटिट्यूड्स 181। और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, कितने हैं 179। क्या है? 179। डोंट वरी, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं इसमें ये नहीं करूंगा कि भाई टोटल लैटिट्यूड्स और लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स का मतलब क्या, बाद में देखेंगे, ठीक है? बस आप एक बात याद रखो, लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल भी बोलते हैं। लैटिट्यूड्स को हम सर्कल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल्स भी बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, राइट? टोटल कितने? 181। अब मैंने आपको क्या बोला कि दिस इज इक्वेटर, मैं रेड करता हूं तो मैं बता देता हूं कि ये क्या है बच्चा? आपका इक्वेटर है। रेड 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 करेंगे, रेड लाइन करेंगे, तो मैं बोल रहा हूं ये क्या है? आपका इक्वेटर है। डन? ये है क्या? आपका इक्वेटर। और इक्वेटर को हमने क्या बोला था बच्चा? आपका इक्वेटर को हमने बोला था 0 डिग्री। क्या बोला था? 0 डिग्री। और बच्चा पोल्स को हमने क्या बोला था? नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ बोला था। मेरी बात क्लियर हो गई? यानी 0 से नीचे इक्वेटर से साउथ में कितने लैटिट्यूड्स ड्रॉन है? टोटल 90 लैटिट्यूड्स ड्रॉन है। क्या है? 90 लैटिट्यूड्स। जैसे 0 के नीचे जो ये है इसको बोला हमने 1 डिग्री साउथ। साउथ क्यों बोला? बिकॉज इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इक्वेटर। और ऊपर वाले को क्या बोला है? 1 डिग्री नॉर्थ। वाई? बिकॉज इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, है ना? तो मतलब ऊपर 0 डिग्री से आपके यहां तक कितने लैटिट्यूड्स हमने ड्रॉ किए? 90। अब इंडिया हमारा जो है ऑलमोस्ट आपका यहां आता है। इंडिया क्या आता है बच्चा? आपका ऑलमोस्ट जो है यहां आता है, ठीक है? कहां आता है आपका? यहां आता है। तो बच्चा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि इंडिया जो है किन लैटिट्यूड्स के बीच में मौजूद है? इंडिया क्या है, किन लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया मौजूद है, या इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? तो याद रखिएगा, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जहां इंडिया नॉर्थ में खत्म होता है, इसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्या बोलते हैं? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, राइट? और वहीं पर इंडिया जो आपका बच्चा साउथ में खत्म हो रहा है वो कितना है बच्चा? आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको याद है जब हमने क्या किया था आपका
इंडिया जब हम देख रहे थे, है ना, जब इंडिया देख रहे थे तो हमने कुछ इंडिया के बारे में बेहतरीन चीजें भी करी थी, करी थी नहीं करी थी? ये अगर हमने इंडिया बनाया है बच्चा, तो हमने क्या देखा था कि एक इंडिया है, एक बच्चा आपका मेनलैंड इंडिया है। क्या है? एक है मेनलैंड इंडिया। तो मैंने इंडिया जब बात करी थी तो मैंने क्या बात करी थी? इंक्लूडिंग आइलैंड्स। जब मैं मेनलैंड इंडिया बोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चा? एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स। तो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मेनलैंड इंडिया यहीं पर खत्म हो रहा है, लेकिन इंडिया कहां खत्म हो रहा है बच्चा? यहां पर खत्म हो रहा है। डन, है ना। तो आपको यही बात याद रखनी है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 37 degrees 6 minutes नॉर्थ से लेके आपका 8 degrees 4 minutes नॉर्थ। क्या बचा? 8 degrees 4 minutes नॉर्थ। तो अगर कोई आपको पूछे कि लैटिट्यूडिनल ट्यूडिनल एक्सटेंट मेनलैंड, एम का मतलब मेनलैंड इंडिया का, कितना है, तो आप बोलेंगे 8 degrees 4 minutes नॉर्थ टू 37 degrees 6 minutes नॉर्थ। मेरी बात आपको क्लियर होगी? लेकिन कोई आपको बोलेगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया बताएं, तो आप क्या बताएंगे बच्चा? 6 degrees 4 minutes नॉर्थ टू, ऊपर तो सेम ही रहेगा, 37 degrees 6 minutes नॉर्थ याद रहेगा। अब बच्चा एक बात आपको याद रखनी है, दिस इज द पॉइंट जहां इंडिया क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चा इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, राइट। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया कहां पे है? 8 degrees 4 minutes नॉर्थ। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। और इसको बोला जाता है बच्चा क्या? केप कोमोरिन। क्या बोला जाता है? केप कोमोरिन। याद रहेगा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो किसे बोला जाता है बच्चा? ये याद रखिएगा, इंडिया वो कहां आएगा? 6 degrees 4 minutes ईस्ट। इसमें क्या है बच्चा? आपका इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। और क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। पता चल गया, क्लियर है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया बच्चा ये, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ, सॉरी, मेनलैंड इंडिया ये, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया बच्चा ये, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही मेरे दोस्तों हमने क्या किए हैं, आपका वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ किए हैं। क्या किए हैं हमने? वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ किए हैं, पोल टू पोल। क्या किए हैं? पोल टू पोल जो है वर्टिकल लाइंस भी हमने क्या किए हैं बच्चा? आपकी ड्रॉ की हुई है। क्या किए हैं? ड्रॉ की है, राइट। और जो ये वर्टिकल लाइंस जो हमने पोल टू पोल जो हमने ड्रॉ की हैं बच्चा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं बच्चा हम इनको? इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? आपका लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकली प्लेस्ड लाइन, वर्टिकली प्लेस्ड इमेजिनरी लाइंस। क्या है? इमेजिनरी लाइंस। जो बच्चा याद रखना, सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है, सिर्फ हाफ सर्कल। क्या है? इनको हम हाफ सर्कल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे अर्थ को कवर नहीं करते। सपोज कर लो कि ये जो मेरी फिस्ट है, राइट, ये फिस्ट अर्थ है, तो ये सिर्फ यहां से यहां ड्रॉ होगा, ये पूरा सर्कल नहीं बनाएगा। यानी पूरा सर्कल मतलब ये भी करेगा, लेकिन लैटिट्यूड्स क्या करते हैं? पूरा सर्कल करते हैं, पूरा सर्कल। तभी लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं? सर्कल। इनको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। याद रहेगा, सेमी सर्कल। अब मुझे बताओ, अर्थ गोल है, तो बच्चा जो सर्कल होता है उसमें कितने डिग्रीज होते हैं? उसमें कितनी डिग्रीज होती हैं? उसमें होते 360 degrees। इसलिए बच्चा लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे आपके? टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होंगे। बच्चा देखो, अभी मैं अगेन, मैंने आपको बोला कि ये इंडियन ज्योग्राफी में करवा रहा हूं, ये बीच में नहीं घुसाऊंगा, मैं बीच में घुसाऊंगा अलग टॉपिक हो जाएगा, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स लेके आऊंगा टॉपिक। तो टोटल कितने हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। कितने हैं बच्चा? 360 लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो इंडिया जो है कितना इंडिया, कौन से लॉन्गिट्यूड्स में इंडिया पड़ रहा है, यह भी जानने की जरूरत है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो पहला मेरिडियन है, ये जो हमने ड्रॉ किया, ये मेरिडियन, राइट, इसको लाल कर देता हूं मैं, राइट, ये जो मेरिडियन हमने ड्रॉ किया, ये मेरिडियन जो हमने ड्रॉ किया है, हम इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है? आपका प्राइम मेरिडियन है, यानी कि 0 degrees, है ना, हमने पढ़ा था ये क्या है? आपका 0 degrees।
तो इस प्राइम मेरिडियन के इधर जो धरती का हिस्सा आ गया वो क्या है बच्चा, आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो मतलब अब इंडिया जिन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आ रहा है, तो बच्चा वो लॉन्गिट्यूड्स जो क्या होंगे, वो आपके सारे ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तो बच्चा ये भी क्वेश्चन आता है, क्या ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है। तो मैं कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भूल जाता हूं, लेकिन मैं आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो यहां पे है, एक यहां पे एक यहां पे, मतलब इंडिया जो है इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आ रहा है। किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आ रहा है, ध्यान से देखना, आपका जिन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया आ रहा है उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने ये पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चा आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। क्या बोला हमने, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और इसको हमने क्या बोला, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यस बिल्कुल सही, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट बच्चा याद रहेगा। अब इंडिया इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है, तो मेरा मतलब बच्चा इंडिया ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की, उसका नाम है बच्चा अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश। और बच्चा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, किबीथू। क्या है बच्चा, किबीथू। इसका मतलब आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है वो किस में पड़ रहा है, आपका किबीथू में पड़ रहा है। मेरी बात क्लियर है, डन है। वहीं पे मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आपका ये जो है आपका कहां पड़ता है, गुजरात में, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो है इट इज इन दी वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, उसका नाम है गुजरात। और बच्चा याद रखिए पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है गोरमोटा। क्या है, गोरमोटा। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या आ गया, गोरमोटा। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या आ गया, किबीथू। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या आ गया, इंद्राकोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया क्या आ गया, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। और बच्चा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या आ गया, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। क्या आ गया, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। बताइए क्वालिटी में फर्क है, ऐसा कौन बताता है करके। और देखिए क्या जबरदस्त अर्थ बनाई है, यही है डिफरेंस रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, रेस्ट ऑफ द क्वालिटी कंटेंट में और हमारे क्वालिटी कंटेंट में। जान लगा देंगे लेकिन एग्जाम क्लियर करवा के रहेंगे, पूरी जान लगा देंगे। और याद रखना कोर्स लेने के बाद कभी गाली नहीं दोगे, मेहनत दिखेगी, सबरे मेहनत दिखेगी, और उसी मेहनत का विचार्ज, उसी मेहनत का। आई होप कि आपको ये जबरदस्त लगा है, ये समझ आया है बच्चा, मेरी बात क्लियर हो गई है। कोई टेंशन हो यहाँ पे, कोई दुविधा हो यहाँ पे तो मुझे बताइए। तो मैंने ये सारी जो लाइंस हैं ये आपको मैंने समझा दी, क्या कर दिए, सारी लाइंस जो मैंने आपको ये समझा दी है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ आगे बच्चा, देखिए अब मैंने आपको क्या बोला कि टोटल जो लैटिट्यूड्स हैं वो कितने हैं, टोटल लैटिट्यूड्स हैं आपके 181 लैटिट्यूड्स हैं टोटल। उनमें से कुछ लैटिट्यूड्स को नाम दिया गया है, जैसे बच्चा 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, याद रहेगा बच्चा, राइट, है ना। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्यों बोलते हैं, अभी मैं इंक्लूड करूंगा तो दिक्कत करेगा, अब इसको फिलहाल रट लो। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है बच्चा, एक लैटिट्यूड है, राइट। कोई आपको पूछे कि डिफाइन कीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो आपको बोलना कि ऐसा पॉइंट अर्थ पे जो अर्थ के सेंटर के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो इक्वेटर के नॉर्थ में है, एन मतलब इक्वेटर नॉर्थ में, उसको हमने क्या बोला है भैया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कोई आपको बोले डिफाइन 23.5 डिग्री साउथ, तो आप बोलोगे ऐसा पॉइंट अर्थ पे जो धरती के सेंटर के साथ, या लैटिट्यूड ऐसा पॉइंट है अर्थ पे जो धरती के सेंटर के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वो इक्वेटर के कहां पे है बच्चा, आपके साउथ में है, तो उसको क्या बोल दिया हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। अब देखिए बच्चा, अब इंडिया जो है ना, इंडिया से एक लैटिट्यूड पास होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है।
वो इंडिया के बिल्कुल बच्चा आपके का क्या होता है, सेंटर से जा रहा है। इंडिया के बिल्कुल क्या हो रहा है बच्चा, आपके सेंटर से पास हो रहा है। यानी कि मैं आपको अगर दूसरी डायग्राम दिखाऊं तो मतलब ये है कि आपका इंडिया जो ये है, तो इंडिया के बिल्कुल सेंटर से क्या, सेंटर से जो आपका लैटिट्यूड पास हो रहा है वो लैटिट्यूड कौन सा है बच्चा, आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि बच्चा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सा लैटिट्यूड है, इसको मैं यही लिख रहा हूं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है अगर इंडिया को बिल्कुल बीच से काट रहा है या इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो भैया वो कौन कौन सी स्टेट से पास हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद करना है कि वो कौन कौन सी स्टेट से पास हो रहा है बच्चा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेट से वो पास हो रहा है। तो याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं और मैं यहां लेके आ रहा हूं क्या आपका, यहां लेके आ रहा हूं मैं आपका ये। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये कहां कहां से पास होता है। इसको और थोड़ा सा क्या कर देता हूं, बड़ा बना देता हूं ताकि आपको दिखे, ताकि आपको दिखे। तो ये सबसे पहले याद करने का तरीका सेम, सबसे पहले कहां से पास होता है बच्चा, मिजोरम से। मिजोरम ईस्ट टू वेस्ट कर रहा हूं, फिर आगे आपका त्रिपुरा, फिर आपका आ गया वेस्ट बंगाल, फिर आपका आ गया झारखंड, फिर आपका आ गया छत्तीसगढ़, क्या आ गया छत्तीसगढ़, फिर आपका आ गया एमपी, फिर आपका आ गया बच्चा राजस्थान, एंड फिर आ गया आपका गुजरात। याद कर लो, इमेजिन करके, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। तो इट पासेस थ्रू बच्चा योर 8 स्टेट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने स्टेट से पास होता है बच्चा, 8 स्टेट से पास होता है। याद रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मेरे दोस्तों आपके कितने स्टेट से पास होता है, 8 स्टेट से। अब वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, क्लियर हो गया, इसको रटना है। अब मेरे दोस्तों आपको यह बात पता होनी चाहिए कि धरती क्या करती है, आपकी रोटेशन करती है, क्या करती है धरती, रोटेशन करती है, राइट, धरती क्या करती है, रोटेशन करती है। अब धरती को बचा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, वन कंप्लीट रोटेशन अर्थ विल टेक हाउ मच ऑफ टाइम, 24 आवर्स। हमें पता है ना बच्चा कि धरती को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, उसको लगता है बच्चा 24 आवर्स। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि धरती जो है, अर्थ जो है वो सर्कल है ना, तो मतलब इसको 360 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते, कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते। अब मुझे बताओ 360 डिग्री और क्या है बच्चा, लॉन्गिट्यूड्स है, यानी कि 360 डिग्री मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स घूमने में अर्थ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। अब मुझे अगर जानना है कि धरती 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में कितना घूमती होगी, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, आपका 1 आवर में कितना घूम रही है, तो मैं क्या करूंगा 360 को सिंपली डिवाइड करूंगा बच्चा किससे, 24 से। और मैं जब 360 को 24 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चा 15। यानी कि बच्चा धरती को 15 लॉन्गिट्यूड्स कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, 15 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 आवर, या मैं क्या बोल सकता हूं बच्चा 60 मिनट, क्योंकि एक घंटे में क्या होता है बच्चा 60 मिनट होते हैं। तो मेरे दोस्तों एक घंटे में धरती को घूमने में कितना टाइम लगता है बच्चा आपका, एक घंटे में धरती कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। अब आप देखिए बच्चा, ध्यान से सुनिए, हमने ये जो किया राइट, हमने ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किया, अब अगर आप लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो आपको पता चलेगा 68 और 97 में ऑलमोस्ट कितने डिग्री का फर्क है, कितने डिग्री का फर्क है बच्चा, 30 डिग्री का ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली उठाओगे तो आप देखोगे 30 डिग्री का फर्क है।
अब मैंने अगर बोला कि धरती जो है आपका 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाती है, वो लगाती है बच्चा कितना आपका, 1 घंटा। तो अब आप सोचिए, और धरती घूमती भी कैसे, धरती घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। धरती कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब धरती घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर मैं अर्थ हूं तो मेरा वेस्ट ये है, मेरा ईस्ट ये है, तो मैं ऐसे घूमूंगी, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और हमें पता है कि सन जो है अर्थ के रिलेशन में इट इज नॉट रिवॉल्विंग, इट इज स्टेशनरी, वो रुका हुआ है एक जगह में। इसलिए बच्चा आप सोचिए कि अगर ये वेस्ट है तो धरती जब घूम रही है तो ईस्ट वाला पोर्शन सबसे पहले सनराइज देखेगा। ईस्ट वाला पोर्शन क्या करता है, सबसे पहले सनराइज देखता है। इसका मतलब कि आप इंडिया से जितना ईस्ट की तरफ जाएंगे, जितना अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे वो जगहें जो हैं वो पहले सूरज को देखती हैं, सनराइज को देखती हैं, किसके कंपैरेटिव, वेस्ट के कंपैरेटिव, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये भी बाद में मैं डिटेल में करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन मुझे इतना पता है कि जितना मैंने आपको बताने की कोशिश करी आपके दिमाग में घुस गया होगा। अब आप मुझे बताओ, धरती को अगर 15 डिग्री में, 15 डिग्री कंप्लीट करने में 1 घंटा लगता है, तो 30 डिग्री करने में कितना लगेगा, 2 आवर्स। और अब मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि भैया अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और गुजरात सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो सबसे सनराइज फ्रॉम ईस्ट, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपका सूर्य उदय का कौन देखेगा, सनराइज कौन देखेगा, अरुणाचल प्रदेश देखेगा। सनराइज जो है वो अरुणाचल प्रदेश देखेगा। इसलिए, और अरुणाचल प्रदेश जो है लगभग गुजरात से कितना लॉन्गिट्यूड आगे है, 30। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश लगभग आपका 2 आवर्स पहले सनराइज देखता है, 2 आवर्स पहले अरुणाचल प्रदेश में सनराइज आता है, और 2 घंटे के बाद आपका गुजरात में क्या आता है बच्चा, आपका सनराइज होता है। तो अब सोचिए, अगर मैं टाइम रख देता हूं ऑफिस का 8 बजे, है ना, 8 बजे टाइम रख देता, तो ये दोनों बौखला जाते, ये 2 घंटे पहले चल रहे होते, इनके यहां 10 बज रहे होते जब हमने 8 रखा है, और इनके तो यहां क्या है, ये 2 घंटे पीछे चल रहे होते। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि भैया जिस कंट्री में, जिस कंट्री का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन इतना ज्यादा है, उस कंट्री में कोई बीच में हम क्या करेंगे भैया, आपका एक लाइन चुन लेंगे, एक लॉन्गिट्यूड चुन लेंगे, जिसे हम क्या बना देंगे बच्चा, आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसे क्या बोलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और इसी के रिलेशन में टाइम डिसाइड होगा सबके लिए, ना इसका ना इसका। तो इसको हमने क्या बोल दिया बच्चा, आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल दिया। क्या बोल दिया, इंडियन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल दिया इसको हमने, क्या बोल दिया, इंडियन स्टैंडर्ड। और ये कौन से लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, ये 82.5 डिग्री बच्चा, हाफ डिग्री ईस्ट में पड़ता है, हाफ डिग्री ईस्ट में, ये लोकेशन है इसकी। और बच्चा ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ये जो 82.5 डिग्री, जिससे हमारा सबका ऑफिस का टाइम डिसाइड होता है, जिससे आपको पता चलता है कि मैं इतने बजे क्लास लेने वाला हूं यूट्यूब पे, या इतने बजे क्लास लेने वाला हूं पेड पे, राइट। तो सब टाइमिंग यहां से डिसाइड होती है। आज जो है 6 बजे जो है लाइव मैच देखा जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो कहां से डिसाइड होगा, इससे। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इमेजिनरी लाइन, जो एक लॉन्गिट्यूड है, जो एक बच्चा आपका क्या है, सेमी सर्कल है, ये कहां से पास होता है, ये पास होता है बच्चा मिर्जापुर के वेस्ट से, मिर्जापुर के वेस्ट से। और मिर्जापुर सबने देखी है, तो आप सबको पता है मिर्जापुर कहां पे बच्चा, आपका यूपी में। अब मतलब ये आपका मिर्जापुर के बिल्कुल वेस्ट से जाता है। अब ये कौन कौन से स्टेट से पास होता है बच्चा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी स्टेट से आपका क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब जानते हैं कि आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो यहां पे ये देखो, ये जो ड्रॉ किया हुआ है, ये कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ, ये पास होता है बच्चा सबसे पहले आपका यूपी, फिर बच्चा आपका पास होता है ये एमपी, उसके बाद पास होता है बच्चा आपका छत्तीसगढ़, उसके पास पास होता है आपका उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश बच्चा। इसको रट लो, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्टेट से जो है आपका मेरे दोस्तों क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास होता है। क्लियर हो गया बच्चा, यहां पे कोई टेंशन तो नहीं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने दोनों देख लिए बच्चा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि नॉर्थ से लेके क्या, यहां से लेके नॉर्थ से लेके, ये ब्लू लाइन से मैं करता हूं, नॉर्थ से लेके आपका साउथ तक कितना किलोमीटर है, तो आपने क्या बोलना है, दिस इज 3 टू
14 किलोमीटर। याद रखना नॉर्थ साउथ हमारा कितना लंबा है 3-14 किलोमीटर, और वहीं पे ईस्ट ये लेके यहां से लेके बचा आपका यहां तक इंडिया कितना लॉन्ग है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितना किलोमीटर लॉन्ग है, तो आप बोलेंगे 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग, कि बच्चा आपका नॉर्थ साउथ जो है इट इज लॉन्गर देन व्हाट, योर लेंथ इज देन व्हाट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। तो आंसर है बिल्कुल सही, याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहां तो नहीं बचा, डन है। हमने बचा यही पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं 37 degree 6 minute नॉर्थ, यही पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 8 degree 4 minute नॉर्थ, जहां पे कन्याकुमारी आ रहा है, जहां पे इंदिरा कोल आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है बच्चा आपका गोरमोटा, क्या आ रहा है गोरमोटा, कहां पे गुजरात में, और 97 degree 25 minute ईस्ट में क्या आ रहा है आपका बच्चा, मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है आपका बच्चा, याद ना इसमें आ रहा है किबीथू, क्या आ रहा है किबीथू। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गई है। अब मेरे दोस्तों देखिए अभी ये सारा पॉलिटिकल मैप ही चल रहा है, ठीक है, अभी फिजिकल मैप तो हम शुरुआत ही नहीं हुई, अभी फिजिकल मैप की हम जबरदस्त तरीके से शुरुआत करेंगे, पहले हम पॉलिटिकल मैप को अच्छे से पढ़ लें, क्वेश्चंस आ सकते हैं तभी मैं बता रहा हूं। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो इंडिया में दो तरीके के बॉर्डर हैं, क्या इंडिया के बॉर्डर दो तरीके के, एक बॉर्डर है बच्चा जमीनी बॉर्डर लैंड फ्रंटियर बोलते हैं, एक है बच्चा आपका वाटर फ्रंटियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लैंड फ्रंटियर मैं आपको बताता हूं, ये थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूं बच्चा आपका जूम इन करता हूं, ठीक है, जूम इन करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया का लैंड बॉर्डर बच्चा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, कहां से आपका, ये रन ऑफ कच्छ से, ये लाल जो मैंने की है, ठीक है, ये है आपका क्या, ये है, ये ऊपर नेपाल आ गया ना इस लाइन से ऊपर जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऊपर भूटान आ गया, ठीक है जी, ये क्या आ गया आपका, ये सारा लैंड बॉर्डर चल रहा है भैया, ये सारा क्या चल रहा है आपका लैंड बॉर्डर चल रहा है। तो याद रखिएगा बच्चा यहां लैंड बॉर्डर खत्म होता है, यहां से लेके यहां तक जो लैंड बॉर्डर है, नीचे क्या वाटर बॉर्डर है, वाटर फ्रंटियर बोलेंगे, ये कितना है बच्चा आपका 15,200 किलोमीटर, क्या है 15,200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, मैंने एग्जैक्ट जो है आपकी यहां पे फिगर लिखी हुई है, लेकिन आपको 15,200 किलोमीटर याद रखना। जो ये लैंड बॉर्डर इंडिया कितनी नेबरिंग कंट्री के साथ शेयर करता है, 7 नेबरिंग कंट्री के साथ शेयर करता है बच्चा, कितना 7 नेबरिंग कंट्री। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे यहां पे आता है आपका क्या, पाकिस्तान, क्या आता है पाकिस्तान, यहां पे बच्चा सिर्फ यहां पे आता है आपका अफगानिस्तान, क्या आता अफगानिस्तान, मेरी बात के यहां लिखता हूं ना फिर आप कंफ्यूज हो गए, यहां ये सिर्फ ग्रीन जो मैंने बनाया ये है अफगानिस्तान, ठीक है, याद रखना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सबसे छोटा, अफगानिस्तान और इंडिया का सबसे छोटा बॉर्डर है बच्चा, ठीक है, अफगानिस्तान और इंडिया का सबसे क्या है आपका छोटा बॉर्डर है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये सारा बॉर्डर यहां तक, और फिर बच्चा आपका कहां आ गया यहां तक, और ये बॉर्डर आ गया यहां तक, ये सारा बॉर्डर किसके साथ है बच्चा आपका चाइना, ये चाइना और ये चाइना, याद रहेगा चाइना, ये बॉर्डर जो है किसके साथ है सारा, ये बॉर्डर ये सारा है आपका बच्चा नेपाल के साथ, किसके साथ नेपाल के साथ, और ये जो बॉर्डर है आपका सारा, ये बॉर्डर जो आपका, ये बॉर्डर जो सारा है वो किसके साथ है बच्चा आपका भूटान के साथ, किसके साथ भूटान के साथ, ये जो बॉर्डर है बच्चा ये बॉर्डर ये यहां तक बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है आपका किसके साथ है बच्चा म्यांमार के साथ, क्या है म्यांमार के साथ, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा है ये राइट, और ये जो बॉर्डर है बच्चा ये बॉर्डर किसके साथ है आपका बांग्लादेश के साथ, किसके साथ है बच्चा आपका बांग्लादेश के साथ, याद रहेगा बच्चा एक बात याद रखना, यहां से लेके कहां से बच्चा आपका यहां से लेके यहां तक पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर, कहां से बच्चा मैंने बोला यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं रैडक्लिफ लाइन, क्या बोलते हैं रैडक्लिफ लाइन, और याद रखना बच्चा बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर को भी रैडक्लिफ लाइन ही बोला जाता है, क्योंकि बांग्लादेश पहले क्या था आपका ईस्ट पाकिस्तान था। अब आप बोलोगे सर इससे ऊपर जो है ये क्या है, तो याद रखना बच्चा इससे ऊपर जो है ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, अब इसको मुझे ना थोड़ा जूम नहीं करूंगा, मैं आगे चलता हूं
मैं आगे चलता हूं। तो अगर आपको मैं बताऊं, देखो ये ध्यान से देखो, तो यहां से नीचे आपका क्या है बच्चा, आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन ये जो रेड लाइन में ड्रॉ करूंगा, क्या ये रेड लाइन, ये ऊपर ये जो ड्रॉ करूंगा, ये जो ड्रॉ करूंगा कहां तक बचा, यहां तक, ये जो एरिया है, ये जो एरिया, राइट, ये एरिया। अब ये एरिया जो मैं बीच में ब्लू कर रहा हूं, ये ठीक है, ये एरिया, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलते हैं, राइट। और बच्चा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इधर ये वाला जो आपकी लाइन है ना, ये लाइन जो लगभग 700 किलोमीटर लंबी है बच्चा, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? अब मेरे दोस्तों मैं आगे चल रहा हूं। अब इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों बोलेंगे, यही तो हम गलती करते हैं। इट इज नॉट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ओनली, इट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, राइट। और मेरे दोस्तों आपका मैं ये बना रहा हूं, ये वाला हिस्सा, आप ये वाला हिस्सा ठीक, ये वाला आपका हिस्सा, ये वाला हिस्सा ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है जिसके अंदर में क्या करूंगा बच्चा, ग्रीन करूंगा, ये जो ग्रीन कर रहा हूं ये पूरा, ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्या है बच्चा, आपका एरिया है। बट इसको अब 2019 के बाद आप क्या बोलेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख बोलेंगे आप, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बच्चा। फिर पाकिस्तान ने क्या किया, ये वाला हिस्सा, कौन सा आपका, ये वाला हिस्सा, ब्लैक के साथ करूं बढ़िया रहेगा ज्यादा, ये वाला हिस्सा जो उन्होंने इंडिया से इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं बच्चा सक्षम वैली। क्या बोलते हैं? सक्षम वैली। क्या बोलते हैं हम इसको? सक्षम वैली, सक्षम वैली, क्या बोलते हैं? सक्षम वैली। ये इन्होंने किसको दे दिया? इलीगली सीडी टू चाइना, ये चाइना को दे दिया इन्होंने भाई, ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा था। तो बच्चा इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, इस रीजन को हम बोलते हैं, रुकिए यहां पे साइड पे लिख रहा हूं, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। क्या बोलते हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। क्या बोला जाता है इसको? गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन बोला जाता है। तो यहां से लेके बच्चा यहां तक, दिस इज होल गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, और ये जो आपके पूरी लाइन दिख रही है, ये है पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बच्चा, याद रहेगा, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ना बच्चा, वो ये स्टार्ट हो रहा है, रैडक्लिफ जो है वो ये स्टार्ट हो रही है। मेरी बात आपको क्लियर है? डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आजकल आपको पता होगा कि इन्हीं का सब क्या करते हैं, इस्तेमाल करके अटैक किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली सुबह आपको पता है राजौरी के एक गांव में 3 बजे के साथ किसी पोस्ट पर अटैक किया, तो हमारे सुरक्षा कर्मी जो है उनसे लड़ते जा रहे हैं, है ना। तो आजकल ये यहां से घुस रहे हैं, पहले ये यहां से घुसते थे मुजफ्फराबाद से, जो इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, आजकल यहां से घुस रहे हैं। अब देखो बच्चा, ये जो एरिया है ना जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, अब ये एरिया देखो, ये जो ब्लू बना रहा हूं, ये ब्लू बना रहा हूं, ये था बॉर्डर जो हम किसके साथ शेयर करते थे, अफगानिस्तान के साथ, इसके ऊपर अफगानिस्तान है। अब हम डायरेक्टली जा नहीं सकते क्योंकि इलीगली ऑक्यूपाइड है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इस लाइन को हम बोलते हैं आपका, याद रखिएगा मैं लिख रहा हूं कहीं पे, इस लाइन को हम बोलते हैं दुरंध लाइन, DURAND, दुरंध लाइन। तो दुरंध लाइन क्या है बच्चा, इट इज द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड योर व्हाट, इंडिया। बट हमारे पास इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है क्योंकि उसके बीच में क्या आ रहा है आपका, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन आ रहा है। ये बात आपको समझ आ गई, क्लियर है? तो इंटरनेशनल बॉर्डर बेसिकली स्टार्ट कहां से हो रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर आपका स्टार्ट हो रहा है बच्चा यहां से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो अब अगर आप देखें, इसको हम बोलते हैं रैडक्लिफ लाइन। अब इंडिया की कौन कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बना रही है बच्चा, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ J&K, है ना, आपका पंजाब, आपका बच्चा क्या आ गया, राजस्थान, और आपका गुजरात। तो दीज आर द स्टेट्स which share border with Pakistan। ये आ गया आपका राजस्थान, ये आपका आ गया गुजरात, ये आ गया बच्चा आपका पंजाब, ये आ गया आपका J&K, और ये आ गया आपका बच्चा क्या, लद्दाख। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो गई, आप इसको रब कर रहा हूं, समझ गए, रैडक्लिफ लाइन और LOC। कभी भी कोई आपको बोले, याद रखना, LOC इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर, राइट, LOC इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर।
अब अगर आप देखो बच्चा, मैंने एक और डब्बा बना के रखा हुआ है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया शेयर करता है कितना, 4096.7 किलोमीटर। बच्चा चाइना के साथ, चाइना दूसरी कंट्री है जिसके साथ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर, दैट इज 3488 किलोमीटर। और अगर ऐसे ही देखते जाएंगे पाकिस्तान के साथ कितना करता है बच्चा, 3323 किलोमीटर, और मेरे दोस्तों अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर। तो टोटल लैंड बॉर्डर कितना है आपका, 15106.7, बट अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा 15200 किलोमीटर। तो इसका ध्यान रखना बच्चा, इसका ध्यान रखना। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? अब दोस्तों अगर आपने यही जानना है, ठीक है, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया। अब बच्चा कहां चल रहा हूं, सुनिए, अब मैं चल रहा हूं चाइना की तरफ। तो चाइना ने क्या किया था बच्चा, 1962 में है ना इंडिया चाइना की वॉर हुई है ना, जिसको इंडो साइनो वॉर भी बोलते हैं। अब बच्चा इसमें क्या हुआ कि चाइना ने क्या किया था, दो रीजन्स को कैप्चर किया था, एक अरुणाचल प्रदेश, एक लद्दाख वाला ये रीजन, एक ये रीजन विच इज अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ व्हाट चाइना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा आपका, अक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, अक्साई चीन बोलते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? और यहां पे भी एक छोटा सा रीजन जो है, ये रीजन जो है इनके कंट्रोल में है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चा, डेमचोक। क्या बोलते हैं, डेमचोक, DEMCHOK, याद रहेगा। और याद रखिए, अब पहले J&K क्या करती थी, बॉर्डर बनाती थी, अब J&K सिर्फ कितनी रह चुकी है, अब J&K ये है ना बच्चा आपका, अब J&K जो है अगर आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K ये रहेगी, है बस, ठीक है, ये रहेगी, ये जो है आपके इलीगल ऑक्यूपेशन में है, किसके, ये एरिया जो हम लेके रहेंगे, टेंशन मत लो, ये एरिया क्या है, इलीगल ऑक्यूपेशन में है। एक्चुअल में J&K इतना बड़ा है, ठीक है, एक्चुअल में J&K इतना बड़ा है, ठीक है, क्लियर है। आजाद कश्मीर बोलते करवाते हैं इनको आजाद, टेंशन मत लो, ठीक है। और यहां पे ये रीजन जो है लद्दाख, अब बच्चा लद्दाख और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर में चाइना किसके साथ बॉर्डर कर रही है आपकी, आपके लद्दाख के साथ कर रही है, ठीक है। और मेरे दोस्तों मिडल सेक्टर में चाइना किसके साथ कर रही है, मैं पीछे चल रहा हूं, चाइना कर रही है मिडल सेक्टर में किसके साथ, आपका, यहां आ रहा हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। मिडल सेक्टर में किसके साथ बॉर्डर कर रही है आपका, हिमाचल प्रदेश और देहरादून के साथ। तो मतलब मिडल सेक्टर इज द बॉर्डर, मतलब इंडिया और चाइना का बॉर्डर तीन सेक्टर्स में डिवाइडेड है। कितने में, तीन सेक्टर्स में। आपका कौन सा बचा, वेस्टर्न सेक्टर, डन, आपका मिडल सेक्टर, डन, और आपका ईस्टर्न सेक्टर। क्या है आपका, ईस्टर्न सेक्टर। तो बच्चा वेस्टर्न सेक्टर किसके साथ है, लद्दाख के साथ, हमने देख लिया। आपका मिडिल सेक्टर किसके साथ है, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड के साथ। और आपका ईस्टर्न सेक्टर किसके साथ है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। याद रखना बच्चा, आपने सुना होगा मैकमोहन लाइन, क्या सुना होगा, मैकमोहन लाइन सुना होगा। मैकमोहन लाइन इज द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड योर चाइना, जिसको चाइना बिल्कुल नहीं मानती है। चाइना बोलती है मैकमोहन लाइन भाई है ही नहीं है, इस नाम का कुछ नहीं है, मुझे नहीं जरूरत इसको सुनने की, ठीक है। उसके बाद याद रखिए आप, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, यही है बच्चा, इन चीजों को अच्छे से करोगे ना, दिमाग कभी भी भाई तंग नहीं करेगा, हमेशा खुल के रहेगा आपका, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं किस पे, इस पे, राइट, इस पे आ रहा हूं। अब देखिए, म्यांमार जो बॉर्डर बनाता है वो लगभग 1600 किलोमीटर का, देखना बच्चा आप क्या है, वो लगभग 1600 किलोमीटर का, यहां से ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि लगभग क्या है आपका, 1600 किलोमीटर का, 1643 किलोमीटर। एंड इट शेयर्स बॉर्डर विथ विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। पहला कौन है बच्चा आपका, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन है आपका, ध्यान से देखो तो ये है आपका नागालैंड। तीसरा कौन है बच्चा आपका, मणिपुर। और फोर्थ कौन सा आपका, मिजोरम। अब आपको पता होगा म्यांमार में चल रहा है मिलिट्री कू, क्या है, मिलिट्री कू है, कूप नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, COUP लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे कू। मिलिट्री कू ये होता है कि जब मिलिट्री क्या करती है, गवर्नमेंट को हटाकर, सरकार को गन के जोर पर हटाकर खुद क्या करना स्टार्ट कर दे, कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना स्टार्ट कर दे, उसे हम बोलते हैं मिलिट्री कू, उसे हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री कू। तो बच्चा मिलिट्री कू की वजह से क्या हुआ, नाउ दिस मिलिट्री इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना, राइट। और आपको पता है कि म्यांमार जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हीरोइन का, किसका, हीरोइन का, हीरोइन बच्चा एक्ट्रेस नहीं, हीरोइन मतलब ड्रग्स। और म्यांमार जो है आपका, मेरे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से,
सॉरी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बॉर्डर से क्या करता है, इजीली ड्रग्स को यहां पे लाता है। और अगर आज के टाइम पे मणिपुर जो है वो जल रहा है, जो कोई देख के राजी नहीं है, ये जल इसीलिए रहा है क्योंकि उसके पीछे कारण म्यांमार भी है, बहुत बड़ा, इसको हम पुराने जमाने में बर्मा बोलते थे। तो कौन कौन सी आपकी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही है म्यांमार के साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ रही है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चा सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो 4096 किलोमीटर का है, इंडिया किसके साथ शेयर करती है बच्चा? आपकी बांग्लादेश के साथ। थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर बना रही हैं? तो सबसे पहले देखिए बच्चा, ये है पूरा ग्रीन कलर का, ये जो कंट्री है, दिस इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। दूसरी कौन सी है बच्चा? आपकी असम। देखो बच्चा, असम ये लग रहा है, छोटा सा असम यहां लग रहा है, ब्लैक ब्लैक से करता हूं, ये असम ये, लेकिन असम यहां पे भी लग रहा है क्योंकि असम ये स्टेट है ना बच्चा आपकी पूरी, ये है असम स्टेट, ठीक। एक यहां बॉर्डर बना रही है, एक यहां बॉर्डर बना रही है बच्चा। फिर आ गया आपका मेघालय, ये आपका आ गया आपका मेघालय। और फिर क्या आ गया बच्चा आपका, यहां पे देखेंगे तो ये आपका आ गया त्रिपुरा, ये आ गया आपका त्रिपुरा। और यहां पे नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या आ गया? मिजोरम। बांग्लादेश यहां खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इट शेयर्स बॉर्डर विद, देखो कैसे पढ़ना तरीका, बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज विद व्हाट, योर वेस्ट बंगाल। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं चल रहा हूं बच्चा कहां पे आपका? नेपाल में चल रहा हूं। किसमें चल रहा हूं आपका? नेपाल में। तो अगर आप नेपाल में देखोगे तो आपको नेपाल में समझ आएगा, बहुत इजी है। नेपाल का बॉर्डर हमारे साथ ओपन है, वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, बिना वीजा के आप जा सकते हो, ठीक है। छड़ा मोमो चल रहा है इधर, छड़ा मोमो, ठीक है। अब मेरे दोस्तों यहां पे क्या है आपका, ये जो है आपका, ये क्या है आपका? उत्तराखंड है, डन। पहला उत्तराखंड, फिर बच्चा आप देखो यूपी, तीसरा बच्चा क्या आ गया आपका? बिहार। चौथा बच्चा आपका वेस्ट बंगाल। देखो ये वेस्ट बंगाल कर रहा है, ये वेस्ट बंगाल देख रहे हो। और पांचवा क्या आ गया आपका? सिक्किम। तो दीज आर दी स्टेट्स ऑफ इंडिया विच शेयर्स बॉर्डर विद नेपाल। मेरी बात क्लियर? सिक्किम, भूटान, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, डन। अब मैं आगे चल रहा हूं, अब हम करेंगे, हमारे पास एक और रह गया, उसका नाम है क्या? भूटान। क्या नाम है? भूटान। तो आप देखिए भूटान के साथ कौन कौन सी स्टेट्स जो इंडियन स्टेट्स बॉर्डर कर रही हैं, यहां पे ये पूरा भूटान है, डन, ये पूरा भूटान है। तो आप देखें, आपको दिखेगा बच्चा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा वेस्ट बंगाल और चौथा सिक्किम। चौथा सिक्किम, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देयर सिक्किम स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? तो आप देखो तीन है, ऊपर चाइना, इधर नेपाल, इधर क्या है आपका? भूटान है। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहां पर तो मुझे बताओ भाई, मुझे लगता नहीं कि आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। चल रहा हूं मैं आगे, मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या बचा? आपका बचा कोस्टल। क्या बचा आपका? कोस्टल। ये रख रहा हूं मैं आपका कोस्ट लाइन, ठीक है, वाटर फ्रंटियर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा दैट इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है। कोस्ट लाइन यहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा इंडिया का कोस्ट लाइन बचा? यहां से स्टार्ट होगा, यहां से, और खत्म कहां हो रहा है बचा? यहां पे, कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंडिया। जब मैं आइलैंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया बोलूं तो मुझे अंडमान निकोबार और यह भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे बच्चा तो आपको पता चलेगा कि टोटल कोस्ट लाइन जो इंडिया की है वो कितनी है बच्चा आपकी? ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ, मैंने इसको छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, ये टोटल कोस्ट लाइन कितनी इंडिया की बच्चा आपकी? इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मेनलैंड इंडिया के 6100, मतलब यहां से लेके यहां तक जो है 6100 किलोमीटर है। चलिए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन बनाती हैं? 9 है। अरेंज करते हैं बढ़िया तरीके से, सबसे पहले गुजरात, सबसे पहले किसमें करेंगे बच्चा आपका? गुजरात में करेंगे, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बच्चा कर्नाटक, फोर्थ केरला, फिफ्थ, एक चीज भूल गया, वापस करते हैं, फर्स्ट गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ गोवा, फिफ्थ केरल, सिक्स तमिलनाडु, सेवंथ आंध्र प्रदेश, एट्थ उड़ीसा एंड नाइन्थ इज योर वेस्ट बंगाल। अगेन वापस देखते हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला घूमे, फिर आया कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। यहां से लेके यहां तक जो ये 9 स्टेट्स हैं कोस्टल स्टेट्स, ये कितने किलोमीटर का कोस्टलाइन बनाती हैं कलेक्टिवली? 6100 किलोमीटर का।
राइट। और सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है बच्चा, याद रखना, गुजरात की। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है आपकी, गुजरात की। शॉर्टेस्ट किसकी है बच्चा आपकी, गोवा की। यार इसमें क्या दिक्कत है, शॉर्टेस्ट किसकी है बच्चा आपकी, गोवा की, क्लियर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, इफ आई एम इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो याद रखना अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को इंक्लूड करूंगा तो अंडमान निकोबार की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ओवरऑल। सिर्फ अगर मैं स्टेट की बात करूं तो गुजरात इज नंबर वन, बट स्टेट यूटी दोनों लेके आ जाऊं तो अंडमान निकोबार हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एंड इट इज फॉलोड बाय गुजरात। आई होप यू गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बच्चा जब वाटर बॉडीज में पढ़ाऊंगा, जैसे वाटर बॉडीज के स्ट्रेट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे, मैं आइलैंड्स कवर करूंगा ना उसमें जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। आज हमने क्या किया आपका पॉलिटिकल मैप या पॉलिटिकल इंडिया जो है बच्चा फिनिश कर दिया है। क्या कर दिया है, पॉलिटिकल इंडिया फिनिश कर दिया। आपको बस क्या करना है मेरे दोस्तों, लगातार जो है इसको देखना है, इस वीडियो को देखो, रिवीजन करो, मैप में लोकेट करो, बार बार मैप देखो, मजा आ जाएगा। और पीडीएफ में अपलोड कर ही चुका हूं आपके पेड बैच में, तो पीडीएफ आप खोलते जाओ और पढ़ते जाओ बच्चा। बाकी जो यूट्यूब पे मुझे ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं उनको यही बोलूंगा, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन आवर कोर्स, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। बस एक ही काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा आईफोन यूजर्स का, और मेरे दोस्तों एंड्रॉइड का लिंक पे क्लिक करें, ऐप ओपन करें, वहां पे जेकेपी कॉन्स्टेबल कोर्स होगा, उसको बच्चा आप एक्सेस लें एट ओनली 499 रुपीज, ठीक है। और जल्दी से मैं आपको बोल देता हूं कि आपका वहां पे जेकेपी कॉन्स्टेबल कोर्स है, जेकेपी एसआई का कोर्स है, ये जो आपकी वीडियो है ये वीडियो जेकेपी एसआई के कोर्स में जा रही है, जेकेपी कॉन्स्टेबल का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो डाउनलोड ना करना भूलें आप मंजिल भारत ऐप, और मेरे दोस्तों बन जाइए हमारे क्या आप व्यूअर्स और सब्सक्राइबर, और कोशिश करेंगे कि आपकी, आपको सक्सेस तक लेके जाएं, आपकी जो जर्नी है वो सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद। पेड़ वाले बच्चों, मैंने बोला है कुछ वीडियोस आएंगे तो घबराना नहीं, ठीक है। जय हिंद बच्चा, टेक केयर।